গোশি বিসিরো তাও খে বিসিরুই तो छूटो तेरो मेरो बची पानरो जोशो नोटो दूसो उछाइयो दिलो टूटो राडेली मेरे प्यारो को बता नोटी प्यारो किलाइयो वादा मेरे बाता का होवा ना ते लाया दिने डुओ रुपा पिंदा एबे मेरे जियोड़ा रोआना काई नोटे रडे ते जूटे कोसीमो वादा मेरे बाता का होवा ना ते लाया दिने डुओ रुपा पिंदा एबे मेरे जियोड़ा रोआना छुटी नोटी मेरे जियो की जी कुड़ी कोशो देनो जियो सब राईयो दिलो टूटो राडेली मेरे प्यारो को बता नोटी प्यारो किलाईयो सातो राइडे छोड़ी के दिलो तोड़ी के दागो देना जियों दालाईयो दिलो टूटो राइडे ली मेरे प्यारो को बता देनी प्यारो की लाईयो मेलाई तो से ती साचे प्यारो की ते जूटी को सी मुखाईयो दिलो टूटो राइडे ली मेरे प्यारो को बता नोटी प्यारो की लाईयो मैं तेरा जीव हो साई दिनों तो ते दिनों ए बेरुवाई
ओ कसो आड़ो रायली तेरे प्यारंदो नजीरते देनी घुमाइयो नजीरते देनी घुमाइयो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मुझे इतना प्यार देने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। और ये मेरा जो गाना आया है, और मैं एक ऐसे शख्सियत से आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ जिनकी लेखनी गाने का मुझे मौका मिला। पूरा जौनसार की संस्कृति को जिन्होंने इतना शानदार तरीके से संभाला है और इतना शानदार तरीके से डिज़ाइन करते अपनी रचनाओं में, श्रीमान भीम सिंह चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इनकी लेखनी गाने का मुझे मौका मिला और इस गाने को जो स्पॉन्सर किया है, और बहुत शानदार पहल है उस कंपनी की, शगियारा प्राइवेट लिमिटेड इस गाने का जो स्पॉन्सर है, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलिए और प्यार दीजिए। आपका निकेश वर्मा, थैंक यू। नमस्कार, मैं भीम सिंह चौहान, जौनसारी गीतकार। ये करीब 17 साल पुरानी कहानी है जी सर। मैंने लगभग विगत 26 सालों से जौनसारी लोक संस्कृति के लिए समाज परक प्रेम प्रसंग के प्रेम वियोग के गीत लिखे हैं। उन्हीं में से मेरा यह सबसे लोकप्रिय गीत है। जो इससे पहले श्रीमान सीताराम चौहान जी ने गाया था, वो वक्त वो था, सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, उस समय इस गीत को ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं मिल पाया। और मेरा भी परम सौभाग्य है कि इस गीत को मेरे अनुज निकेश वर्मा जी ने गाया है और बहुत सुंदर आवाज़ में गाया है, और शगियारा लिमिटेड कंपनी ने इसको रिस्पॉन्स किया है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और गीत लिखने के पीछे मैं अपनी जो मेरी मंशा थी मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि स्कूल का समय था, कॉलेज का टाइम था, और हम लोग एक प्रेम प्रेमिका की कथा पर नज़र रखे हुए थे, मैं और सीताराम चौहान जी जो इसके गायक हैं। तो एक मन में विचार आया, मन में उद्गार आया कि इस जोड़े को क्यों ना इस गीत के माध्यम से ये लिखने का प्रयास करें कि जो लड़का है वो भी चाह रहा है कि मेरा प्रेम सफल हो, मेरा प्रसंग सफल हो, और लड़की भी चाह रही, लेकिन कुछ विसंगतियाँ उनके बीच में ऐसी हुई, वो आपस में एक नहीं हो पाए। तो मेरा प्रयास था कि मैं ये गीत के माध्यम से एक संदेश दूँ, और मैंने प्रयास किया। और मैं एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ निकेश जी का, शगियारा लिमिटेड कंपनी का, और जिन्होंने भी फिल्मांकन किया है, मैं उस व्यक्तित्व का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं स्पेशली धन्यवाद करना चाहता हूँ सीताराम चौहान जी का, जो हमारे बहुत ही सीनियर गायक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी गायकी में गाया गया गाना मैं दोबारा से गा रहा हूँ। थैंक यू सो मच।